तो आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं, इन्होंने हमें एंगेज किया है काउंसलिंग पर्पस के लिए, और इवन अपना केस भी हमारे थ्रू प्रोसेस करेंगे। तो इनकी जो भी क्वेरी है वो अभी इस यू मीटिंग के थ्रू हम डिस्कस करेंगे, और इनके लिए जो भी ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी इनको बताएंगे। तो सबसे पहले मैडम, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस यू मीटिंग में, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार। हाँ जी सर, नमस्कार। मैं सबसे पहले ये पूछूंगा मैडम, आप कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं? सर, मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ। तो हमारे बारे में कहां से पता चला था आपको? सर, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी, वहां से पता चला था। कब से वीडियोस देख रहे हैं हमारी? टू अराउंड 2-3 मंथ्स से। थ्री मंथ्स, ठीक है। तो क्या फीडबैक्स हैं उन वीडियोस का? सर, मेरे को एक्चुअली मेरा 1.5 ईयर से ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा था कहीं और से, ठीक है, तो मेरे को पर्टिकुलरली यूरोप में ही देखना था। एंड यूरोप के बड़े लिमिटेड कंसल्टेंट हैं ठीक है। जो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं, तो मुझे वीडियोस देख के ऐसा लगा कि यू आर प्रोफेशनली डीलिंग इन पर्टिकुलरली यूरोप। ठीक है, हाँ जी, तो वीडियोस जो आप देख रहे हैं, आप हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा में बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, दिल्ली भी आपके नजदीक है, वहां पर भी बहुत कंसल्टेंट है। आपको कैसे पता चलेगा कि हम आपके केस में कोई हेल्प कर सकते हैं? इवन आपका 1.5 साल आपने पहले भी खराब किया हुआ है, तो आपको कैसे ट्रस्ट आ गया कि आपके केस में हम कुछ हेल्प कर पाएंगे? सर एक्चुअली मेरा पहले दिल्ली में ही था, 1.5 साल से वहीं से चल रहा था कंसल्टेंट के पास प्रोसेस। ठीक है, बट क्योंकि इनिशियली भी जब स्टार्ट करा तो बहुत स्केप्टिकल थे अराउंड, जिन जिन कंसल्टेंट से मैंने बात करी थी, ठीक तो वो है, एक श्योरिटी नहीं थी कि वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आजकल देर इज ओनली डेस्परेशन अमंग स्टूडेंट्स की हमें बस किसी तरह बाहर पहुंचा दो। सही बट बात। आई डोंट हैव सच सीन इन माई लाइफ। मेरे को पर्टिकुलरली सिर्फ अकेडमिक पर्पज से ही बाहर जाना है। आई जस्ट हैव टू स्टडी, उसके बाद मेरे को डिसाइड करना है अपने सेटलमेंट प्लान्स का। और मेरे को इसलिए मेरे पर्टिकुलरली कोर्स थे कुछ ठीक है, चलो स्पेसिफिक जिनमें मेरे को एडमिशन चाहिए था, ठीक है मैडम। तो तो मेरे को वीडियोस देख के लगा कि यू कुड गाइड मी बेटर। आपका जो 1.5 साल जहां पे हुआ वहां पे कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया? नहीं सर, मेरी 5 फिनलैंड यूनिवर्सिटीज से रिजेक्शन है, टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ से रिजेक्शन आई है लॉ के कोर्सेज में। ठीक है, ओके मैडम। तो ठीक है मैडम, मैं अभी आपके केस को रिव्यू करके आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड करते हैं कि किस तरीके से आपके केस को हैंडल किया जाए और किस वे से हम इस केस को आगे प्रोसीड करेंगे। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंस नहीं है तो फिर बड़ी प्रॉब्लम है, फिर कोई भी सोल्यूशंस नहीं निकल पाएंगे। कंसल्टेंट चेंज करते ही आप दुखी हो जाएंगे। हमारे पास भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई भगवान हूं, मैं 100% आपको देने वाला हूं, ऐसा माइंड में नहीं लेकर चलना। आप जितने लिनियट रहेंगे, जितने मतलब आप कम रिजिड रहेंगे, उतना केस आपका मतलब सक्सेस होगा। आप स्पेसिफिक हैं, रिजिड हैं, तो देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द एडमिशन इन लीडिंग यूनिवर्सिटीज इन फॉरेन कंट्रीज। जैसे आपने कहा कि आपने वहां पर टॉप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था, तो जब टॉप यूनिवर्सिटीज होती हैं तो दे आर ऑल्सो लुकिंग एट मतलब गुड प्रोफाइल स्टूडेंट्स। उसके अंदर बहुत सारे प्री टास्क होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस हाँ जी एग्जाम्स हैं, यू नीड टू ब्रेक दैट वन, तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। उनमें जरूर डालो, उसके साथ में अनदर कंट्रीज के और अनदर प्रोग्राम के भी सब्स्टिट्यूशंस लेकर चलने हैं। तो एक क्वेश्चन और पूछेंगे, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं? सर, मैं मैरिड हूँ। तो आपके स्पाउस की हाईएस्ट एजुकेशन क्या है? सर उनकी एक्चुअली वो ग्रेजुएट है, उनकी अपनी आईटी कंपनी है, वो ही इज अ वर्किंग मैन, तो उनकी बैचलर खुद की आईटी कंपनी है। तो फिर तो बीटेक है, बैचलर इन आर्ट्स है, बीकॉम है, क्या है, कौन सी स्ट्रीम में बैचलर है? बीबीए बैचलर BBA है सर उनकी। उनके कोई परसेंटेज आपको मालूम हो कितने हैं? अराउंड 60-70 होगी। अच्छा, तो बच्चे भी हैं मैडम आपके? नहीं सर, नहीं है। मैरिज हुए कितना टाइम है? ठीक और 1.5 साल हो गया। है, तो आप दोनों इकट्ठे जाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं चले जाऊं पहले देखती हूँ जाकर, या उसको नहीं बाद सर,
इकट्ठे जाना चाहते हैं, वेरी गुड। तो ऐसे है कि इकट्ठे जाना। इकट्ठे ही जाना, तो मैं वही कंट्री रिकमेंड करूंगा, क्योंकि प्रोफाइल आपकी मेरे पास आ चुकी है। आपने अपनी LLM की हुई है, BA LLB और LLM की हुई है, तो आपके हाँ LLM में जी, 30% है और BA LLB में 61% है, और IELTS आपका 7.5 है। इवन आपको हाँ दो मैंने सर आइल्स आइल्स मैंने अभी दोबारा दे दिया हुआ है, क्योंकि मेरा नवंबर में एक्सपायर हो रहा है, कोई तो बात नहीं, मैंने फॉर सेफर साइड अभी 14 सितंबर को दिया है, तो अभी 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा उसका। तो तो आयल्स भी बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है आपके पास। तो अभी आते हैं कि अभी आपको ऑप्शंस क्या दिए जाएंगे। ऑप्शंस ऐसे हैं कि अगर तो स्पाउस के साथ ही जाना है तो देन वी आर स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड ये तीन कंट्रीज हैं, जैसे मैं फिनलैंड, डेनमार्क और स्वीडन की बात करूं। बस इन कंट्रीज में भी डालने से पहले अभी आप स्पेसिफिक हैं कि मैंने यही स्पेसिफिक प्रोग्राम में जाना है, तो उसमें चैलेंजिंग है आपके केस के लिए। इट इज नॉट सो इजी कि आपको इमीडिएटली उसमें एडमिशन मिल सकता है। तो जैसे वहां पर इंटरनेशनल लॉ जैसे प्रोग्राम है, या वहां पर इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स ऐसा प्रोग्राम मास्टर डिग्री, हाँ जी, या ग्लोबल गवर्नेंस लॉ ऐसी कोई मास्टर डिग्री, या इंटरनेशनल बिजनेस लॉ ऐसी मास्टर डिग्री, लेकिन इनमें बहुत सारा कंपटीशन है। इट इज नॉट सो इजी, क्योंकि इन प्रोग्राम्स में जिनको लॉ में नहीं भी एक्सपीरियंस है, जिन्हें MA की है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक थोड़ा ओके। ड्रॉबैक, लेकिन आप वाले केस में मेरे अकॉर्डिंग एडमिशन मिलना चाहिए था। अभी क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, उसका रीजंस देखने पड़ेंगे। जो आपने प्रीवियसली जिन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था, क्या आपने डायरेक्ट अप्लाई किया था या थ्रू ज्वाइंट एप्लीकेशन थी फिनलैंड में? सर डायरेक्ट करा था इंडिविजुअली यूनिवर्सिटी में। इंडिविजुअली यूनिवर्सिटी में। ओके, तो कोई यूनिवर्सिटी का नाम एकाधिक का याद हो आपको? हाँ जी सर, पांचों याद है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी, यूनिवर्सिटी ऑफ टूर्कू, टेम्पेरे यूनिवर्सिटी, ईस्टर्न फिनलैंड एंड तो एबो उनके ना अकेडमिक्स। उनका कोई प्री टास्क आया थे आपको? हाँ जी सर, उसमें ऐसे आए थे, क्वेश्चंस थे कुछ, तो वो मैंने जो मतलब उसका कंटेंट था, समरी ऑफ कंटेंट थी, वो मेरी थी, लेकिन उसको इलेबोरेट करके जो है वो सबमिट उन्होंने ही करा था, कंसल्टेंट्स ने। हाँ ठीक। तो ऐसे है जी, कि आपने जो भी अपनी एजुकेशंस गेन की है, वेदर यू डिस्क्लोज ऑल द एजुकेशंस देयर और यू हाइड समथिंग? नहीं सर, मेरे को ये बोला गया कि आपने मास्टर्स ऑलरेडी करी हुई है, तो दे कैन बी डाउटफुल कि आप दोबारा मास्टर्स क्यों कर रहे हो। आई इंसिस्टेड ऑल्सो कि आप मेरी डबल मास्टर्स करते हैं, इट इज वेरी कॉमन फॉर पीपल टू डू दैट, तो हम डबल मास्टर दिखा सकते हैं, तो पर वो ऐसा नहीं करा उन्होंने। प्लस उसका सेकेंड रीजन ये था कि मैं पांच यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रही थी, मेरी बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट भिजवाने की पांचों में फीस जो है अराउंड 50,000 खर्चा हो गया था, और पंजाबी यूनिवर्सिटी से मेरी मास्टर्स है, तो मेरे को अगर पांच ट्रांसक्रिप्ट और चाहिए होती तो वहां की फीस 20,000 पर ट्रांसक्रिप्ट थी, तो चलो ये बहुत ज्यादा हो जाता। ऐसे है कि उन चक्रों में अभी डालेंगे नहीं आपको, एक आधी यूनिवर्सिटी में भेजने पड़ सकते हैं। हम ये सारे प्रिकॉशंस बिफोर टेकिंग द केस लेते हैं। इवन फिनलैंड कंट्री में मैं पब्लिक को भी बता दूं, वी आर सेंडिंग ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आइदर फिनलैंड है, वो स्वीडन है, चाहे वो डेनमार्क है। अगर किसी ने भी स्पाउस के साथ इन कंट्रीज में जाना है, और हमारी नंबर ऑफ वीडियोस हैं इन कंट्री से रिलेटेड, इवन हर एक कंट्री के ऊपर हमारी प्लेलिस्टें बनी हुई हैं, वहां जाकर आप नंबर ऑफ हमारी वीडियोस वॉच कर सकते हैं, उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं कि अपना केस आपने कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। तो ऐसे है कि कोई भी ये कंट्री है, आइदर स्वीडन है, चाहे नॉर्वे है, चाहे मैं फिनलैंड की बात करूं, दे आर गिविंग द एडवांटेज इफ यू आर शोइंग योर मास्टर डिग्री दिया है, वो आपको प्लस पॉइंट रहना था ओके। आपके केस में। दे आर गिविंग द एडवांटेज, दे आर गिविंग द पॉइंट्स, कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा मास्टर डिग्री है तो दे आर पुटिंग द पॉइंट्स देयर कि हाँ आपने ये एक्स्ट्रा मास्टर भी किया, फिर आप रिपीट मास्टर करने के लिए आ रहे हैं। तो वहां का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स है, आपके एक्सपीरियंस के पॉइंट्स, आपके ग्रेडिंग के हाँ पॉइंट, जी, मेरे पॉइंट्स पूरे नहीं हुए थे। हाँ मैं वही बता रहा, आपके ग्रेडिंग के पॉइंट्स, आपके एजुकेशन के पॉइंट्स, आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के पॉइंट्स, उसको अवेल्युएट करने के बाद दे आर ग्रांटिंग द एडमिशंस। अभी इन लॉ के प्रोग्राम के अलावा भी आपको लिनियंट होना पड़ेगा कुछ अनदर प्रोग्राम्स में भी।
अभी आप कहें कि मैंने जाना ही नहीं तीनों पांचों प्रोग्राम में, इसके अलावा कहीं जाना नहीं है, तो दैट इज वेरी वेरी चैलेंजिंग केस, फिर बहुत मुश्किल है। फिर मैं भी कहूंगा कि हमसे भी मैडम आपका टाइम भी वेस्ट होगा, क्योंकि बिफोर टेकिंग द केस इट इज माई ड्यूटीज विल टेल द फैक्ट कि दीज द थिंग्स विल हैपन जब हम अप्लाई करेंगे। तो आपको थोड़ा सा लीनियंट होना पड़ेगा, रिजिड नहीं होना पड़ेगा कि आप कहें कि नहीं, इसके अलावा आप अनदर प्रोग्राम्स में भी डाल सकते हैं अगर आपने फॉरेन में जाना है। सर, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि मैंने स्वीडन में अप्लाई कर दिया था लास्ट राउंड ऑफ एडमिशन मालमो यूनिवर्सिटी में, जब मेरी फिनलैंड से रिजेक्शन आई तो मेरा वहां से ऑफर लेटर आ गया था, क्योंकि मैंने कोर्स शिफ्ट करा, फिर ह्यूमैनिटीज में कर दिया जैसे अप्लाई। तो मैं कहा अब मैं आप लकी रहे कि आपने फिर वीजा अप्लाई नहीं किया, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर वेरी बैड फॉर द स्पाउस केसेस इन स्वीडन। ओके तो मेरे को वैसे उन्होंने रिसिप्ट फीस के लिए अलाउ ही नहीं करा, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था। सेकंड राउंड में हम किसी को रिकमेंड ही नहीं करते, फर्स्ट राउंड वाले बच्चे लेते, हाँ जी, सेकंड राउंड को वी आर नेवर एवर रिकमेंडेड, बीइंग वी हैव ए वेरी वास्ट एक्सपीरियंस इन दिस कंट्री कि क्या प्रिकॉशंस लेने। तो ऐसे है, आपको प्रोग्राम बिताए जाएंगे कहाँ कहाँ पे हैं, दो चार प्रोग्राम मैंने अभी आपको बोल के बताए हैं, और इसके अलावा मैं कुछ रिसर्च करूंगा कि आपको हम क्या बेटर से बेटर करें जहां तक कि आपका एडमिशन आए। सर मेरी बस एक वो है पैरामीटर की बिजनेस मैनेजमेंट टेक्निकल कोर्स नहीं होना चाहिए, थोड़ा थ्योरेटिकल कोई भी फील्ड में हो चल जाएगा, टेक्निकल कोर्सेज नहीं होने चाहिए, जैसे एम मैनेजमेंट के रिलेटेड हो गया, जिसमें मैथमेटिक्स या ऐसी चीजें आ नहीं जाएं, चाहे वो समझ माइनर ही हो। गया, फिर ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड फिर डालेंगे मास्टर्स। हाँ जी, ह्यूमैनिटीज रिलेटेड हो, सोशल साइंसेज में जैसे हाँ सोशल बिहेवियर हो गया, ये सब हो गए, स्टार्ट तो ये कर, इनमें से। हाँ जी ठीक है, जरूर इनमें डालेंगे जी, फिर चांसेस है फिर आपका एडमिशन आ जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो और बताइए, कोई हाँ और जी इसके अलावा, हाँ जी और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आपका? सर मेरे को बस थोड़ा सा प्रोसीजर जानने कि आप कैसे चलेंगे, आई मीन टू से कि जैसे कॉलेज की लिस्ट आएगी या कैसे, वो मेरे को मैं चेक करूंगी जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, मतलब उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी ना, SOPs, मोटिवेशन लेटर, ऐसे क्वेश्चन हमारे अगर आता से है। मेरा ये चैलेंज है, हमारा जरूर से चैलेंज है, वी आर नॉट टेकिंग एनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज वेल एज ओपन ट्रांसपेरेंसी हियर। मैं आपको कहूंगा कि मुझे ओरिजिनल पासवर्ड, हमें सारे के डॉक्यूमेंट सारा कुछ दे दीजिए, नो वेयर वी विल आस्क दिस थिंग, ओनली स्कैन कॉपीज, देयर आफ्टर व्हाट्स एवर हम अप्लाई करेंगे उसके स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आप जो भी हमें, आपको मैं एक ड्राफ्ट भेजूंगा, ड्राफ्ट के बाद आपने उसमें अल्टरेशन एडिशंस करके हमें भेजनी है, फिर उसको फाइनल करके भेजेंगे, देन वी विल अपलोड ऑन द पोर्टल। जब पोर्टल के ऊपर भी अपलोड हो जाएंगे उसके भी स्क्रीनशॉट भेजे जाएंगे, उसका रिजल्ट नेगेटिव आता है पॉजिटिव आता है उसको भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। एट द एंड ऑफ जब रिजल्ट पॉजिटिव आ जाते हैं, वीजा आ जाता है, व्हाट्सो एवर आपकी ईमेल जो क्रिएट की हुई है वो भी आपके साथ शेयर होती है, और हमारी मैक्सिमम चार्जेस है व्हेन द वीजा विल कम, बट वी आर टेकिंग समथिंग एडवांस में है, 15-20 हज़ार सिंगल है, 15 है स्पाउस के साथ, 20 है, 15 हज़ार पे एडमिशन के बाद है, अनदर फीस आफ्टर वीजा ग्रांटिंग, और वी आर नॉट डिपेंडिंग ओनली अ सिंगल कंट्री, विद वन फीस यू कैन पुट योर एप्लीकेशन आइदर मल्टी यूनिवर्सिटीज एज वेल एज मल्टी कंट्रीज। ओके, तो सर मैं दो ऑप्शन ही लेके चलूंगी, एक बैकअप में इन ठीक है, केस। तो हाँ जी, कोई ऐसी एंड सर प्रॉब्लम, एक और एक लास्ट चीज है कि पहले भी मेरा 1.5 साल खराब हो गया है, एंड मतलब टाइम इज ऑफ अटमोस्ट वैल्यू टू मी राइट नाउ, ये मेरा बड़ा क्रिटिकल स्टेज ऑफ करियर आपके चल रहा है, तो आई डोंट वांट कि चीज को सुनने के बाद हमें ज्यादा हेडेक हो जाती है, हमें ज्यादा टेंशन हो जाती है कि यू ऑलरेडी वेस्टेड 1.5 साल किया है, अभी आप बड़ी होप लेकर हमारे पास आए हैं, हमसे भी ऐसी गलती ना हो, दैट रीजन आई एम टेलिंग कि थोड़ा सा लीनियंट बनना पड़ेगा, देन यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स। रिजेक्ट, ओके सर, देन यू विल डेफिनेटली रीच एट योर डेस्टिनेशन, क्योंकि अभी तक एडमिशन ही नहीं आया, ओके सर, वीजा ही नहीं आया, तो आगे तो प्लानिंग तब होगी ना अगर हम कंट्री में पहुंचेंगे। ओके सर, हाँ, तो और कोई क्वेश्चन हो तो? नहीं सर बस यही है। एंड मतलब कब से पोर्टल खुल रहे हैं, अगर हम स्वीडन और फिनलैंड की बात करते हैं?
अक्टूबर में, अक्टूबर के बाद खुलने फिनलैंड वाला, की तो जनवरी। मैं अगर फिनलैंड में डालना है, नॉर्मल प्रोग्राम है, अगर आप कहते हैं कि मैंने फिनलैंड में डालना है, वो एक आधी मास्टर डिग्री मैं बता देता हूँ जिसमें मिल पाएगा, अभी भी होगी, बट अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड कि हाँ मैं उसमें ट्राई करिए, तो उसमें ट्राई रहेगी, लेकिन मेन अभी अगस्त सितंबर लेकर चलिए आप अपना केस सारा, हाँ जी, ठीक है? नहीं मेरा कोई सितंबर इनटेक ही है, मेरे को बात नहीं, फेब में एग्जाम है। अक्टूबर ऑनवर्ड आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है जी? ठीक है मैडम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा बात करके, ओके धन्यवाद, फिर इसको क्लोज करते हैं, धन्यवाद। ओके।